तो कैसे मेरे भाई और बहनों, सब कुछ ठीक है ना। मैं हूँ आपका होस्ट आर्यन रॉय और आप देख रहे हैं रॉय कॉमिक्स। तो आप सभी को पता तो होगा ही कि एक्वामैन का एक स्पेशल पावर है कि वो हर एक सी क्रीचर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, जिसमें बेशक आते हैं द ग्रेट वाइट शार्क्स, द ब्लू व्हेल्स और यहाँ तक कि कैराथन भी। पर अगर हम एक्वामैन को लेकर टाइम ट्रेवल कर दें प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, जहाँ यानी कि ट्रायसिक जुरासिक और क्रेटेशियस टाइम में, जहाँ पर लैंड पर राज करते थे ये दानव जैसे जीव जो थे तब के बेताज बादशाह, और यहाँ तक कि पानी में भी कुछ ऐसे क्रीचर्स रहते थे जिनका कोई टक्कर नहीं था, तो अगर एक्वामैन के पास इन सब का कंट्रोल एक बार आ जाए तो कितना भयानक हो सकता है। और कौन कौन से ये क्रीचर है जो एक्वामैन को एक गॉड लेवल से भी ऊपर तक ले जा सकते हैं, तो ये वीडियो इसी पर होने वाला है। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, मेगालोडॉन। बिग टूथ के नाम से भी जाने वाला ये विशालकाय शार्क 18 मीटर लॉन्ग हो सकता था और इसका वजन 40 टन तक हो सकता था। सिर्फ इसके जबड़े का साइज ही 2 मीटर तक जा सकता था, यानी कि आज के समय पर बड़े से बड़े व्हेल को भी चीर फाड़ कर खा सकता है। ये दिखने में आज का ग्रेट वाइट शार्क जैसा ही है, पर 20 गुना ज़्यादा वजनी और 3 गुना ज़्यादा बड़ा था। तो अब आप इमेजिन करो कि एक्वामैन के पास मेगालोडॉन का भी एक्सेस है। तो एक्चुअली एक्वामैन बहुत बार शार्क्स यानी कि ग्रेट वाइट शार्क्स को यूज़ कर चुका है अपने बैटल में, पर एक बार अगर मेगालोडॉन का एक्सेस एक्वामैन के पास आ गया तो अच्छे से अच्छे गॉड लेवल कैरेक्टर को हम अगर एक्सक्लूड कर दें तो उनके वो एक्वामैन चीथड़े उड़ा सकता है, वो भी बिना खिचखिचाए। यहाँ तक कि एक्वामैन ने एक बार एक बड़े से शार्क की मदद से पोसाइडन पर भी हमला कर दिया था, पर यह अभी तक क्लियर नहीं है कि वो शार्क एक्चुअल मेगालोडॉन था या फिर नहीं। तो अगर मेगालोडॉन वो एक्चुअल में था तो इसका मतलब है कि एक्वामैन सच में इस विशालकाय दानव को कंट्रोल करता भी है। नंबर दो, मोसासॉरस। मोसासॉरस एक प्री हिस्टोरिक एक्वाटिक क्रीचर था जो आज मॉन्टेड लिजर्ड और स्नेक से हाईली रिलेटेड है। इनके हाइट 30-50 फीट हो सकता है, यानी कि एक टीरेक्स से भी 1.5 गुना ज़्यादा। ये इतने माहिर शिकारी थे कि ये जेंट सी टर्टल्स, शार्क्स और यहाँ तक कि दूसरे मोसासॉरस को भी काट का सकते थे, और इनके जॉज इतने फ्लेक्सिबल थे कि ये किसी भी चमड़े को आसानी से भेद कर सकते थे और उसे घातक तरह से घायल कर सकते थे। तो ये एक एपेक्स प्रेडेटर है ऑलरेडी, और अगर एक्वामैन इसे बैटलफील्ड में यूज़ करता है तो सामने वाले का हालत तो खस्ता होना बनता ही है। आप इसे छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हो कि एक थ्योरी है कि अगर मोसासॉरस आज जिंदा होते तो मेगालोडॉन्स कभी पृथ्वी पर आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि सारे के सारे मेगालोडॉन्स मोसासॉरस के पेट में होते। तो आप समझ सकते हो कि मोसासॉरस कितना खतरनाक प्रेडेटर है। नंबर 3, टाइटानोबोआ। टाइटानोबोआ ये इतने विशालकाय सांप होते थे कि इनका लेंथ 42 फीट तक हो सकता था और इनका वजन करीब 1100 किलो तक भी हो सकता था। ये वेनमनस स्नेक नहीं है, यानी कि इनमें जहर नहीं होता। ये आज की एनाकोंडा जैसे होते हैं जिनका जबड़ा बहुत ही बड़ा होता है और ये अपने प्रे को एक ही बार में सफाचट कर सकते हैं, पर इनका असली पावर है इनके बॉडी में। ये अपने बॉडी को इतनी अच्छी तरह से अपने प्रे के ऊपर लपक सकते थे कि ये एक टीरेक्स को भी चुटकी भर में ख़त्म कर सकते थे, टीरेक्स का कोई बचने का। तो आप एक बार अगर सोचो कि एक्वामैन के पास अगर इतना एक पावरफुल प्रेडेटर आ जाए कि जो अपने ओपोनेंट को चुटकी भर में ख़त्म कर सकता है, तो एक्वामैन के ऑपोजिट जो भी आएगा वो उसे आराम से ख़त्म कर सकेगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ रोड लेवल्स हीरोज और विलेंस की, जैसे मेटेलो या फिर पैरासाइट या फिर एक्वामैन का अपना विलेन ऑर्म। नंबर 4, डंकिलियोस्टस। डंकिलियोस्टस का हाइट करीब एक डबल डेकर बस जितना था और इनका वेट करीब 2 ऑल्टो 800 जितना भी था। डंकिलियोस्टस का सामने कोई दांत नहीं है, बट एक बोनी बीक जितना
जैसा है और ये इतना पावरफुल है कि एक ग्रेट वाइट शार्क को ये चुटकी में ताबड़तोड़ तरह से ख़त्म भी कर सकता है। ग्रेट वाइट शार्क के पास कोई मौका भी नहीं बचेगा अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने। ये सामने इनके बोनी प्लेट्स ही है जो इनको स्पेशल बनाते हैं, बाकी के दांत सिर्फ काटने का काम करते हैं, पर ये इतने पावरफुल है कि ये कोई भी हमला भी झेल सकता है। इसके जबड़े इतने पावरफुल थे कि इसके सामने कोई भी लिटरली कोई भी क्रीचर नहीं टिक सकता था। ये हड्डियाँ का भी चूरन कर दे सकता था, इसका इतना पावर था। और इसका जबड़ा इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये एक 50 मिली सेकेंड्स में अपने जॉ को खुलकर बंद भी कर सकता था। यानी कि आप सोच ही सकते हो, आपके पलक झपकते ही आपके बॉडी से आपका हाफ बॉडी गायब हो जाएगा और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे और दिमाग में रजिस्टर होने से पहले ही आप ख़त्म भी हो चुके होंगे। और इनके स्केलेटन इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो लिटरली कोई भी अटैक ले सकते हैं और इसमें मॉडर्न डे वेपन्स के भी अटैक्स शामिल है। तो लिटरली ये एक अंडर वाटर टैंक जैसे है, ठीक जैसे एक टैंक को बाहर से हमला करने पर उसका कुछ नहीं होता, ये भी ठीक वैसा ही है। तो अगर एक्वामैन के पास इनका एक्सेस हो तो ऐसा लगेगा कि एक्वामैन के पास ढेर सारे टैंकर्स हैं। तो ये मत समझना कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये सभी कैराथन के बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता भाई। ये सब मिलकर भी कैराथन का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, पर ये सब एक ऑलवेज इतने स्ट्रॉन्ग क्रीचर्स पाना ऑलवेज एक अच्छा पॉइंट होता है, एक अपर हैंड होता है अपने दुश्मन के खिलाफ। इसीलिए मैंने ये लिस्ट बनाया और मुझे लगता है कि मुझे एक पैलियंटोलॉजी में भी थोड़ा घुसना चाहिए। तो अगर आपको डायनासोर और प्रीहिस्टोरिक से रिलेटेड कुछ स्टफ इस चैनल पर चाहिए तो कमेंट में एक बार ज़रूर बता दो बॉस। और वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है तो और इसको नहीं खींचते हैं, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पीस।